एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं कमरे से, बस मैं ही जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम, तो बने रहिएगा लास्ट तक व्लॉग में। जैसे भी दर्शन होंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो जैसे भी वहाँ पर होता होगा मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अगर उनके दर्शन होते होंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ा लास्ट तक बने रहना। तो चलो अब चलते हैं, क्योंकि डांट पड़ने से पहले बेटर ये है कि टाइम से पहले निकल जाओ, क्योंकि बस सब सामान चला गया है। तो अभी ना सुबह के बज रहे हैं 4 और 4 भी नहीं, अभी ना 4 से पहले ही थे, 4:45 का समय था और हम लोग निकल गए। अभी आप लोग देख सकते हैं कितनी रात हो रही है, क्योंकि अभी हम भी थोड़े से लेट हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था सुबह वाली आरती हम लोग खाटू श्याम जी में जाकर अटेंड कर लेंगे, मतलब मिल जाएगी हमें, बट ऐसा नहीं हुआ, हम लोग हो गए लेट। और अगर आप पहली बार खाटू श्याम जी जा रहे हैं हमारी तरह, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को भी नहीं पता था, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो अगर नियरेस्ट वहीं पर बहुत सारे होटल्स हैं, अगर आप वहाँ पर रुके हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से दर्शन हो ही जाएंगे। बट अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं तो फिर इसलिए आप लोगों को ना जल्दी ही निकलने में फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे सुबह होते होते। और सही पूछो तो हम लोग पहली बार गए थे तो हम लोगों को ये था कि बड़ा सा मंदिर होगा, हम लोग वहाँ पे रुकेंगे, मत्था वगैरह टेकेंगे, मतलब इससे ज़्यादा देरी में तो वैष्णो देवी पर भी हम लोग मतलब अंदर ही बिल्कुल माता जी के दर्शन जो किए थे, वो पिंड जो होते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर तो इतनी भीड़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लगता है शायद यहाँ पर ना ये दुकानें रात भर भी बंद नहीं होती हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर मेनली जो होता है वो फूल का चढ़ावा होता है, तो आप लोग जाएं तो फूल ज़रूर लें गुलाब का, क्योंकि खाटू श्याम जी का जो श्रृंगार होता है वो फूलों से ही होता है। और मेन जो चीज़ें होती हैं ना यहाँ पे, इत्र होता है, तो हम लोगों को नहीं पता था बट हमने एक ले लिया था। बट आप लोग जाएँ तो 2 इत्र की शीशी लेना, एक वहाँ पर चढ़ जाती है और एक को आप ढक्कन उसका ना ओपन करके और अपनी विश मांग करके उस इत्र को अपने घर ले आना, तो ये मान्यता यहाँ पर होती है। और खाटू श्याम जी को तो वरदान मिला हुआ ही था कि कलयुग में घर घर में पूजे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब जैसे मतलब इतने लोगों का मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, भीड़ भड़ाका हो रहा है, उसी से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इनकी कितनी मान्यता है। और सब लोग जो ये झंडे लेकर आ रहे हैं ना, ये भी चढ़ाने की मान्यता है, बट ये वहाँ तक ना पहले ही चढ़ जाते हैं, वहाँ तक नहीं जाते हैं, बीच में ही खड़े रहते हैं, गार्ड्स वगैरह वो ले लेते हैं। अभी तो सही हुआ, अभी भी तो लगा दक्षु दर्शन करने आया। चलो भाई चलो, हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया मेरे भैया, सुपर। दक्षुआ दक्षुआ एक फोटो खींचो भैया, हाँ हाँ खींच दो, चलता कैसे ना है। तो यहाँ पे हम चल दिए, अब नियरेस्ट यहाँ पर आने ही वाले हैं जहाँ पर की लाइन लगी हुई थी। और आपको एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये वीडियो आपके लिए, अगर आप खाटू श्याम जी नहीं गए हैं तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये जो लाइन जा रही है ना, अभी आपको आगे दिख रहा होगा, तो आप लोग जो है जो धीरे वाली लाइन चल रही है ना फर्स्ट वाली, उसमें लगना, ये चीज़ हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। फिर भी हम सेकेंड लाइन में थे तो थोड़े से मंदिर से थोड़ी दूरी पर हम लोगों को दर्शन हुए। अगर फर्स्ट लाइन में चलोगे तो वो धीरे धीरे भले ही चलेगी, बट उसको बिल्कुल मंदिर तो जस्ट आप भिड़ कर ही चलेंगे, तो ऐसे वही ये भीड़ की वजह से ना लाइन है। तो हम लोगों को पहले ये हो रहा था, काविंदर जी बोल रहे थे कि साइड में हमसे जो इधर मतलब मेरे जो हम लोग जो चल रहे हैं राइट हैंड की तरफ, जितनी भी लाइन है वो सारी खाली हैं, तो उधर लोग कम जा रहे थे, शायद उन लोगों को नहीं पता था। तो वो लोग काविंदर जी बोल रहे थे कि ये लोग तो बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, इनकी लाइन तो बहुत अच्छे से चल रही है। तो वो लाइन इसलिए चल रही थी क्योंकि उन लोगों को तो दर्शन बहुत दूर से हो रहे थे। तो आप लोग जाएँ तो कभी भी इन फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही रहें, क्योंकि बहुत पास से दर्शन होते हैं, बट हम लोगों को नहीं पता था। फिर भी भगवान की कृपा से हम लोग जो वीडियो और इतनी जय बस रुक गई हूं अपनी वाली खाटू श्याम, बहुत दूर तक बहुत ज्यादा मतलब मन लग रहा था, सब लोग इतने भजन गा रहे थे, इतनी श्रद्धा भक्ति भाव से लोग आ रहे थे, वैसे मन खुश हो गया था। खाटू श्याम आप लोग एक बार जरूर आना, कुछ मिनट की वजह से भी दूर थी और आप लोग
आपको बता दूं, वहाँ पे जो मंदिर है, परिसर है, वहाँ पे मोबाइल नहीं निकालने दे रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि इतने सारे गार्ड खड़े थे, पुलिस वाले थे, तो वो बिल्कुल इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप फ़ोन से कोई वीडियोज़ ना बनाएं। तो वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनी है, बहुत थोड़ी सी दूर जाकर मैंने जूम करके थोड़ा सा कुछ बनाया है, तो वो आप लोगों को शायद दिख जाए। वैसे ऐसे कोई आपको वीडियो मंदिर के आगे की नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि जो वीडियोज़ बनती हूँ उनको परमिशन पहले लेनी पड़ती होगी, बट अभी तो वो मना कर रहे थे, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पर वीडियो ना बनाएं। बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो रही थी, सारे में गुब्बारे वगैरह थे, और पता है जब हम लोग गए थे ना, उससे अगले दिन ना दो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी गई थी, मतलब एक हैं वो व्लॉग देखती हूँ मैं उनका, वो भी गए थे, और एक मैं नाम भूल गई ये बीमारी है मुझ में कि मैं नाम भूल जाती हूँ, कि मैंने अगले नेक्स्ट डे वीडियो देखी थी ना, तो वो लोग गए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो लाइन में बोल रही थी ना, उधर कम जाते हैं लोग, तो वो धीरे धीरे मतलब खाली जा रही है उधर की लाइन। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं मालूम थी, हो सकता है भाई आप लोगों को मालूम भी हो या नहीं भी हो, नहीं है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप लोग मेरे से पहले से जा चुके हैं तो भाई कोई बात ही नहीं है इसमें तो। और मिश्री का प्रसाद भी लेते हैं, बट मिश्री का प्रसाद वहाँ पर मतलब अपने मन से ले सकते हैं आप, लड्डू वगैरह भी मिलते हैं, बट मेन जो है वहां पर वो फूलों का और इत्र का और वहां पे बांसुरी मोर पंख जो है उसका, आप मन मतलब पूरे भक्ति भाव से इन चीजों का वहां पे प्रसाद चढ़ाना, सच्चे मन से अपनी विश वहां पे मांगना। वैसे मैं एक बात बताऊं, पहले ही कहते रहते हैं हम ये मांगेंगे, उनके दर्शन मात्र में ही सब कुछ भूल जाते हैं। मैं बहुत सारी चीजें सोच करके गई थी, क्योंकि पता है सब चीजें होने के बाद भी भगवान के आगे तो हाथ फैलाए जाते हैं, फिर भी बस मैं एक नॉर्मल सी ही अपनी बात कह पाई हूं कि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। और तीन व्यक्ति हैं जिनके जीवन में खुशी के लिए मैंने यहाँ पर विश मांगी थी, तो वो भगवान ज़रूर पूरी करेंगे मेरी। और बस यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, थोड़ी सी आगे पीछे स्किप हो गई थी वीडियो, तो थोड़ा सा शायद आप लोग ना यहाँ पे हम लोग निकल के आ चुके हैं, तो अभी मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ा सा आपको मंदिर का, नहीं अभी नहीं गए हैं दर्शन, हाँ क्योंकि बहुत लंबी सी वीडियो हो गई है ना ये, मुझे फ़ोन पकड़ना पड़ रहा था, इतनी धक्का बेली सी हो रही थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं आपको दिखाऊँ तो वो अभी आपको ना मंदिर की भी मैं आपको क्लिप दिखाऊँगी ज़रूर। और हम लोग आज ही निकल जाएंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा अभी टू डेज़ की और ट्रिप थी, बट हमारे कुछ थोड़ा सा ऐसी हो गया था, मतलब विशाल जो है उनकी मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ से आ गए, क्योंकि विशाल का और डॉली का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि घर पर उनकी मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी। और यहाँ पर मैं इसलिए हंस रही थी, एक साइड में एक बच्ची थी, तो वो बड़े प्यार से ना नारे लगा रही थी, खाटू श्याम जी की जय, और वो बहुत ना हल्के से तुतला के बोल रही थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पर मतलब पता चल जाता है कि कोई व्लॉगिंग कर रहा है, वीडियो शूट किस चीज़ के लिए कर रहा है, तो साइड में थे दो तीन लड़के, तो वो बोल रहे थे मैम आप व्लॉगिंग करती हैं, तो मैंने उनसे कहा हाँ, पर मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था भाई इतनी बड़ी व्लॉगर तो मैं हूँ नहीं कि हाँ मैं उनसे अपना इंट्रोडक्शन कराती, मैंने कहा हाँ हाँ जी, तो उन्होंने बड़े उससे कहा देखो ये है ना, मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया, ये था मेन परिसर, वहाँ पर बस पंडित जी और पुलिस वाले ही वहाँ पर थे, और कोई मतलब बिल्कुल पास नहीं जाने दे रहे थे, तो मैंने उनसे कहा हाँ, तो बोले कि बहुत अच्छा, मतलब करिए इस काम को, लगातार करते रहना, छोड़ना नहीं, मतलब बड़ा अच्छा सा लगा मुझे, अप्रिसिएट किया उन लोगों ने, तो बट मैंने उनको सूट नहीं किया मैंने एकदम से ही फ़ोन डाउन कर लिया था, मतलब ऐसे हो रहा था मतलब कि हाँ भाई मैं नहीं किया तो नहीं किया, बस चलो ठीक है। क्या बोल हरे का सारा बाबा श्याम हमारा, बोल खाटू बाबा की जय। तो क्या सोच रही थी कि उधर भी होंगे दर्शन, दूसरी तरफ वो लाइन जाकर ना दूसरी तरफ निकलेंगे, मैं भी यही समझ रही थी, मैंने कहा अंदर वो होगा परिसर में जाना पड़ेगा, मैंने कि जो है लाइन आगे जाएगा एक हो रही होगी, हाँ मैं भी यही सोच रही, मैंने कहा अंदर मंदिर होगा तो दर्शन करने जाते होंगे, पर फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए है ना। अब वो जो लाइन भागी जा रही थी ना, तो मैं समझ रही थी जो इधर वाले भागे जा रहे थे वही दूर देख के अपने भागे चले जा रहे थे, हाँ वही तो होती लालच करना बुरी वाला, हाँ लालच करना बुरी वाला, हमारे फूल चले तो गए, चलो मेरा तो बिल्कुल मेरे कहीं गया बिल्कुल, कहाँ फेंक के मारा, अरे हाँ फेंक के ही मार रहे थे ना सब, अच्छा तो मैंने फेंक के मारा, पुजारी से भी आगे गया, ओ भाई साहब मेरे वही गया, लेकिन बांसुरी गई सबसे अंदर, पापड़ जो फेंक की थी ना बांसुरी वो गई सबसे अंदर,
ऐसी तो लग जाती है चोट वोट, है ना। चलो उससे तो खैर चलो, ये है कि पास से दर्शन कराते हैं तो वो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो हमारे बड़े अच्छे से दर्शन सब ऐसे कह रहे थे ना कि दूर से ही वो कर दो। अब मेरी झंडी छीन ले। मेन वहाँ फूल का वो है, मेन फूल का चढ़ाना चढ़ाना। हाँ, क्योंकि हमें, हम पहले ले भी नहीं रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि फूल का प्रसाद। हाँ, फूल का कि और किस चीज का, छोटा सा इत्र मिल जाता। हाँ, ज्यादा लेने का मेन प्रसाद है इसमें। और ये जो ये मिश्री मिश्री है, ये तो वैसे ही है ना, इत्र किसी से फेंक के मारोगे तो वो लगेगी, वो लगेगी ना, वो चढ़ दियो खाचे से बनने दे। अच्छा अच्छा, इसमें प्रसाद मेरा खाचे में आया दो, दो मतलब उसके प्रसाद पे चढ़ा दिए, हो गया प्रसाद। ओके फाइन, चलो भाई हम बैठ के गाड़ी में, अब जल्दी है अपने घर की ओर तो चलते हैं। प्रीभु हमारा बैठा आगे, दक्ष हमारा बैठा पीछे, पट्टी वट्टी बांध के बहुत राधे लिखवा के गाल पे, जो देख रहा है सारे दूर गए हैं, सारा बस्ती में जो होना पड़ा। हमने नहीं लिखवाया, हमने टीका लगवाया, पर दर्शन बहुत अच्छे थे। चलो भाई खाटू श्याम की जय।